भारतीय शेयर बाजार में आज रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हो गई है। लंबे अरसे से इसकी लिस्टिंग का इंतजार हो रहा था। कोई इसके 300 रुपए के आसपास लिस्ट होने की चर्चा कर रहा था तो कोई कुछ और, लेकिन आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की फीकी लिस्टिंग हुई है। रिलायंस से अलग होकर बनी रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज की मार्केट में एंट्री हो गई है। रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर BSE पर 265 रुपए के भाव पर खुला, जबकि NSE पर आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग 262 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। आज विशेष प्री ओपन सेशन में JFSL के शेयरों की कीमत 262 रुपए निकल कर आई थी। बता दें ये कीमत RIL द्वारा JFSL के लिए निर्धारित 133 रुपए प्रति शेयर की कॉस्ट से काफी ज्यादा थी। पिछले साल ही बोर्ड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयर धारकों और लेनदारों के बीच अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में अलग करने के लिए एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी थी। रिलायंस के शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर पर इसी कंपनी के एक शेयर मिले हैं। हालांकि एक और बात ये भी है कि इस शेयर की आज लिस्टिंग तो हो गई है, लेकिन अगले 10 कारोबारी दिन तक इसके शेयरों की इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि 10 ट्रेडिंग सेशंस में यह ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, ट्रेड फॉर ट्रेड एक ऐसा सेगमेंट है जहां शेयर सिर्फ जरूरी डिलीवरी के आधार पर ट्रेड किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेड टू ट्रेड शेयर की इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। इस सेगमेंट के हर एक खरीदे या बेचे गए शेयर की पूरी पेमेंट देकर ही आप डिलीवरी ले सकते हैं। इस सेगमेंट में मौजूदा शेयरों का निपटान ट्रेड टू ट्रेड आधार पर किया जाता है। बता दें रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में 6 कंपनियां शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटेड सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट। जियो फाइनेंशियल का प्लान कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस शुरू करने का है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की दिग्गज कंपनी मैक्वायरी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मार्केट ग्रोथ के मामले में पेटीएम और दूसरी फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। अब जाते जाते रिलायंस के शेयरों का क्या हालचाल है ये भी जान लीजिए। रिलायंस का शेयर 1.33% की गिरावट के साथ 2522 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही जियो फाइनेंशियल्स भी अब फिसल कर फिलहाल BSE पर 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपको भी शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।